नमस्कार, मैं अलीशा और आप सभी का स्वागत है आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज ही के दिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। पहला विश्व युद्ध लगभग 52 माह तक चला। इस युद्ध में करीब आधी दुनिया हिंसा के चपेट में चली गई और इस दौरान 1 करोड़ से अधिक लोग की जान चली गई और इससे 2 गुने घायल हो गए। इसके अलावा बीमारियों और कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मरे। विश्व युद्ध खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका एक महाशक्ति बनकर उभरा। आज ही के दिन 28 जुलाई 1925 से विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। आमतौर पर इस रोग के कारण लीवर में सूजन आ जाती है। शराब के अत्यधिक सेवन से भी ये रोग संभव है, जिसे अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं। कुछ दवाई लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं, इस कारण भी हेपेटाइटिस संभव है। इस रोग के चलते लीवर की कार्य प्रणाली गड़बड़ा जाती है। हेपेटाइटिस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 1165 में अरबी के प्रसिद्ध सूफी कवि साधक इब्ने अरबी का जन्म हुआ था। इब्ने अरबी एक अरबी के प्रसिद्ध सूफी कवि, साधक और विचारक थे। इब्ने अरबी के संबंध में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ व्यक्तियों के विचार से वे सन्यासी थे और अध्यात्म पर उनका पूर्ण अधिकार था, जिसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। दूसरी ओर एक ऐसा समुदाय भी था जो उन्हें नास्तिक समझता था। इब्ने अरबी की पुस्तकों के संबंध में आज भी ऐसी ही परस्पर विरोधी धारणाएं प्रचलित हैं। ये शेखुल अकबर के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज ही के दिन 1972 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार का निधन हुआ था। भारत के एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट थे। धनी पारिवारिक कड़ियों को छोड़कर उन्होंने एक कठिन क्रांतिकारी जीवन को चुना। उनका जन्म सिलीगुड़ी के एक खुशहाली जमींदार परिवार में 1918 में हुआ था। आगे के जीवन में उन्होंने हथियारबंद नक्सल आंदोलन में भाग लिया था। चारू ने 1968 में नक्सलबारी विद्रोह के ऐतिहासिक महत्व पर लिखा है और उसकी रचनाएं आज भी लाल क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में कुछ दर्ज महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। राशिफल गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी की ओर से 28 जुलाई दिन रविवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है यश प्रतिष्ठा। मेष, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 81% है। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। भाइयों के माध्यम से लाभ प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के योग है। अचल संपत्ति के क्षेत्र में उन्नति होगी। वाहन सुख प्राप्त होगा। रुके हुए काम बनने के योग है। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला है। वृष, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 52% है। भाग्य का साथ अपेक्षा से कम मिलेगा। छात्रों को सफलता प्राप्त होगी। प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यात्रा के योग हैं। शुभ रंग सफेद व लाल तथा निषेध रंग सलेटी व काला है। मिथुन, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 70% है। संतति से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति संभव है। आपकी पदोन्नति होने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में निर्णय आपके पक्ष में होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं। शुभ रंग हरा व लाल तथा निषेध रंग पीला व सफेद है। कर्क, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 55% है। भूमि भवन में निवेश से धन लाभ के योग है। परिश्रम का लाभ मिलेगा। धन निवेश करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। स्थान परिवर्तन के योग है। शुभ रंग नारंगी व लाल तथा निषेध रंग हरा व काला है। सिंह, आपके यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 91% है। व्यर्थ के कार्यों के करने से बचें। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्ति के योग है। कोई भी निर्णय लेने से पहले परिजनों में किसी अंतरंग अथवा विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी होगा। अच्छा समय चल रहा है। नए मित्र बनने के योग है। शुभ रंग लाल व गुलाबी तथा निषेध रंग नीला व काला है। कन्या, आपकी यश प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 71% है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से कतिपय समस्याएं परेशान कर सकती हैं। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्ति के योग है। आय में वृद्धि के योग है।
कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग हरा वे लाल तथा निषेध रंग मस्टर्ड सिंदूरी है। तुला, आपकी प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 42% है। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतें, जोखिम पूर्ण कार्यो करने से बचें। अनुकूलता बने रहने के योग हैं। हालातों को नियंत्रण में रखने के लिए शांत रहें, आपको फायदा होगा। स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग लाल व निषेध रंग सफेद है। वृश्चिक, आपकी प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 76% है। घर बाहर से सहयोग मिलेगा, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम न प्राप्त होने से निराशा के योग हैं। नौकरी में अधिकार बढ़ सकते हैं, अप्रत्याशित लाभ होगा। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम न प्राप्त होने से निराशा के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग भूरा व काला है। धनु, आपकी प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 72% है। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। व्यर्थ की चिंता व तनाव होने के योग है। बीमारी में राहत मिलने के योग हैं। खान पान का ख्याल रखें। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से सहयोग के योग हैं। शुभ रंग पीला व बसंती तथा निषेध रंग हरा व काला है। मकर, आपकी प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 46% है। रिश्ते मजबूत करने के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यालय में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। मकान के रखरखाव के कार्य किए जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग गुलाबी व निषेध रंग काला है। कुंभ, आपकी प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 47% है। परिवार जनों से संबंधों में भी मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में लाभ के योग है। व्यवसायियों के लिए इन दिनों धन निवेश की दृष्टि से समय अनुकूल चल रहा है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों की सहयोग प्राप्ति के योग है। शुभ रंग गुलाबी व निषेध रंग सलेटी है। मीन, आपकी प्रतिष्ठा के लिए भाग्य 78% है। बीमारी का इलाज सावधानी पूर्वक करवा लें। व्यापार विस्तार की योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाने के योग हैं। शुभ रंग पीला व लाल तथा निषेध रंग हरा व काला है। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय 5:34 से 7:18 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी से 0121-2666-888 तथा 0983-7600-46। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें IMT मीडिया।